नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भाईजी टेक्निकल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटो द्वारा लॉन्च किए हुए नया प्रोडक्ट मोटो एम। एक्चुअली में मोटो का प्रोडक्ट नहीं है ये है लिनोवो का प्रोडक्ट, क्योंकि मोटोरोला को जो है हायर कर लिया है लिनोवो ने। तो लिनोवो के चाइनीज़ वेबसाइट से मैं आज दिखा रहा हूँ आपको, ये आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। भारत में अभी तक कोई आशंका नहीं है कब तक आएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिमाइंड सेल लिखा हुआ है। ये चाइना की वेबसाइट है motorola.com.cn, मैं इस पे आ चुका हूँ। ये लिस्ट हो चुकी है उनके वेबसाइट पे, तो चलिए जानते हैं क्या है खास उसके बारे में। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इसी तरह और वीडियोज़ आपको रोज़ आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। फुल्ली मेटल बॉडी है, इसके एक एक फीचर्स देख लेते हैं। स्टाइलिश अपीयरेंस है, अंडरस्टैंड करते हैं इसको क्या है। फुल्ली मेटल बॉडी के साथ में 5.5 इंच की फुल एचडी की स्क्रीन आ रही है, और इन्होंने कहा है कि कटिंग एज वगैरह है, काफ़ी अच्छा अपीयरेंस वगैरह है, तो मुझे तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। फुल मेटल बॉडी का इस रेंज में मोबाइल आ रहा है। रेंज के बारे में बता दूँ, जो प्राइस लेवल है इसकी चाइनीज़ यून के हिसाब से जो भी रखी गई है वो 1999 है, यानी कि 2000 यौन है, जो कि भारतीय बाजारों में के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो आपको करीब 19,990 यानी कि 20,000 के करीब आएगी। कैमरा के बारे में देख लेते हैं। इक्विबिट 800, इन्होंने गलत 800 लिखा है, एक्चुअली 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इन्होंने गलत लिस्टिंग की है यहाँ पे। और डॉल्बी एटमोस साउंड के साथ में आता है, 3 डायरेक्शनल साउंड आती है, तो साउंड वगैरह तो काफ़ी अच्छा है। डॉल्बी पहली बार देखने मिला है, अभी तक लिनोवो के फ़ोन में था, लिनोवो ने हाला मोटो में डाल दिया है, मोटो के नाम से बेच रहा पता नहीं क्यों। परफॉर्मेंस वगैरह देख लेते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में कन्वर्ट, हाँ हो गया चाइनीज से, ये कन्वर्ट हो रहा है। ये चाइनीज़ वेबसाइट पे मैं इस समय हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। 4 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ में आता है, 32 GB की, 4 GB की रैम है, 32 GB की इंटरनल मेमोरी है। एक्सपांडेबल के बारे में कुछ अभी तक बताया नहीं गया है, हाला है 128 GB एक्सपांडेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। 3050 mAh की बैटरी है, जो कि 10 वाट के क्विक चार्जर के साथ में आता है, तो भी एक अच्छी बात है। बैटरी थोड़ा सा कम लगी है इस रेंज में, 20,000 रुपये ले रहे, फिर भी 3050 mAh की बैटरी दे रहे। जो स्पिल रेजिस्टेंट है, और नैनो कोटिंग के साथ में आती है ये वाटर प्रूफिंग के। इसका IP रेजिस्टेंस जो भी है वो दिखाया नहीं, इंग्रेस प्रोटेक्शन जो आता है उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। हालांकि इनके जो भी मोटो E3 आया था पहले, उसका इंग्रेस प्रोटेक्शन IP लेवल जो था वो 6-7 था, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग्स रहती है इस हिसाब से। 6 यानी कि डस्ट वगैरह मेटल्स से बचाएगा, और जो 7th ही वाटर लेवल की मॉइस्चर लेवल से बचाता है, उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बताया, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अगर आप समझना चाहे तो। फिंगरप्रिंट है जो बैक साइड पे है, दिखाया काफ़ी खूबसूरती से दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैमरा के बारे में बता ही चुका हूँ। टेक्निकल पैरामीटर्स देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो अभी इसमें बताने लायक आया है नहीं, अभी तक लॉन्च ही हुआ है, सिर्फ अवेलेबिलिटी भी कोई खबर नहीं है। ये सब आपने देख चुका है, डुअल सिम वगैरह है इसके अंदर, एंड्रॉयड का लेटेस्ट मार्शमेलो है, और उसके बारे में कुछ है नहीं, लेटेस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं कि और क्या क्या आएगा। मार्शमेलो दिख रहा है, फटाफट आ जाते हैं इसके ऊपर। जो मेमोरी वगैरह है, जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का मीडिया टेक का प्रोसेसर, 2.2 GHz के हिसाब से प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी अच्छी है। 860 की मान ली GPU है, ये भी काफ़ी अच्छा, गेम्स वगैरह खेलने में काफ़ी अच्छा। हाँ, मोटो के फ़ोन्स एक्चुअली में परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छे रहते हैं। रैम 4 GB की है, 32 GB इंटरनल है, SD कार्ड से 128 बढ़ा सकते हैं, 163 ग्राम है बॉडी की वेट है, 5.5 इंच की IPS की स्क्रीन है, बैटरी है, वाटर प्रूफिंग है, और क्या क्या दिया है इसके अंदर, 4G तो रहेगा ही है, इंडियन मार्केट में आएगा तो अपने ब्रांड अपने हिसाब से सपोर्ट करेगा वो। ये ओके फाइन, इन्होंने मिलियन पिक्सल के हिसाब से दे दिया है, हम इंडिया के हिसाब से देखें 8 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल कैमरा, 1.12 के माइक्रोन मीटर के पिक्सल्स वगैरह है। सिम कार्ड ड्यूएल है, रियर कैमरा के बारे में दिया है, फास्ट डिटेक्शन, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस वगैरह है इसके अंदर, HDR मोड, पैनोरामा, काफ़ी सारे ये तो आते ही हैं मोस्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आजकल इसके बारे में। ब्लूटूथ 4.1 का है। सिम कार्ड में देख लूँ, अगर आप ड्यूएल, इंडियन में हम ड्यूएल सिम के बारे में ज़्यादा देखते हैं, सेकेंड सिम और माइक्रो SD कार्ड, तो ये हाइब्रिड वाला है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों हाइब्रिड करते हैं। हालांकि 32 GB इंटरनल मेमोरी है, चलाने को चला सकते हैं, बट इंडियन हम कितना भी दे दो आपको ड्यूअल सिम का और मेमोरी के लिए अलग से स्लॉट चाहिए ही रहता है।
ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, फैंस सेंसर्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे दे दिए हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, अगर इनकी 20,000 रुपये कीमत रखती तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में मार्केट में 12,000 रुपये 10,000 रुपये के भी फ़ोन्स अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता अगर ये मार्केट में 20,000 रुपये में आएगा तो उतना चलेगा नहीं। हालांकि मोटो है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इसको कि मीडिया टेक के प्रोसेसर के साथ में आपको 20,000 रुपये में पीस बेचेगा, भी हल्की फुल्की 4 GB RAM 32 GB इंटर, कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं जब भारतीय बाज़ारों में आएगा तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। अभी तक फिलहाल इतना ही, भाई जी टेक्निकल, देखते रहिए और आपका दिन शुभ हो।